बोले बाबा जुगिया हुरा कि पगरी पिता की चिता पर जलाती बेटे की अरमा पुजाती है बेटी सीता सावित्री सती बनी के काली कभी आसमा को डिगाती है बेटी कभी बनी के चंडी कभी बनी के रंडी कोठे पे इज्जत लुटाती है बेटी बेटी बिना दान रहता अधूरा बन कर के दुल्हन रुलाती है बेटी एक लाइन कवारी के टुकड़ा लगे और है कवारी के टुकड़ा वो भैया कहना बा है कवारी के टुकड़ा बा कि सारे सिक्के सारे सिक्के गीले भुला के गाऊं सारे सिक्के समाज के ऊपर कार्य खिलान अरे जब ई जति लीलाम होती है कम अरे जब ई जति जब ये जति लीलाम होती है गम में जब ये जति लीलाम होती है गम में हाय बेटी बिचारी रोती है गम हाय कहानी की शुरुआत हो गई कहानी हो कहां के कस्बा गांव की कहानी याद आई है जुर्म में फंस के जहां जिंदगी गवाई है की बड़ी गरीबी थी सिला सरोज संग में पुत्र और बीबी थी जमीन बेच कुछ सरोज का विवाह किया सिला सयान हुई अब तो तबाह हुआ ढूंढते कस्बा गांव में आए हैं हर सरुक के पैरों में सर झुकाए हैं धीरेन्द्र साथ में रिश्ता तब मंजूर हुआ लगी तुम चिंती हुई कष्ट तन का दूर हुआ
एक रूप राम सिंह रहन बाबू आ उन्हीं के पास दूठे बिटिया रहलिन। जौनी बिटिया के नाम, जौनी बेटी के नाम बतावल गे, छोट लड़की के नाम सीधा बतावल गे, बड़ लड़की के नाम बाबू सरोज बतावल गे। गौर करेंगे बाबू, सरोज श्याम हो जाती है। सरोज का विवाह कर दिया जमीन कुछ बेच करके, उसमें विवाह कर दिए। अब शीला नौजवान लड़की श्याम हो जाती है। सोच गए रूप राम कि अपने बेटी के शादी हम कर रहे हैं। लेकिन बाबू लड़का ढूंढत ढूंढत उसमें लड़का ढूंढत ढूंढत बाबू गांव में आये हुआ। कासबा गांव में जब पहुंचल हुआ स्वरूप राम के पास बाबू पैर में हाथ जोड़ लेलन, कहलन कि भैया हमारे पास एगो लड़की भी आ। सुने के मिलल कि आपके पास एक लड़का बाप, अपनी लड़का के नाम बतावल गए। लड़का के नाम धीरेन्द्र बाप, हमारे लड़की के साथ अपने बेटवा के शादी कर देता। लेकिन बाबू शादी तो मंजूर हो गई, उसमें के लाइन गीत निकल गल भैया, उहे गीत के लाइन बाप। किया जाए एकादशिया अरे बिहान दुआ दसिया तेरा सिया के ना मांगे ला गवानवा तेरा सिया के ना कि बंधी बांधी गई ले कंगना अरे सजाई गई ले अंगना की आई गई लेना ओ की आई गई लेना सज के दुआरे बरतिया की आई गई सदिया तभी हंस गई में हदिया की भराई गई ली हो भराई गई ली मंगिया सिंदूरा से रतिया भराई गई मंगिया सिंदूरा से रतिया बाबू शीला का शादी हो गया। शीला का शादी जौन उसमें भइल बा उसमें मड़वा खुलाए के समय आए, उसमें भइल का कहना बा उहे गीत के लगे लाइन भैया बाबा तो चढ़ता बसंत अरे उड़े लागर दीर मोरी देहिया भइल बा हो मोरी देहिया भइल बा पियर हर दीर मोरी देहिया भइल बा। एक लाइन हम गाइला का गाइला तल घर आगन साफ करे घर आगन साफ करे अरे लेके झाड़ुआ हो हमरे भैया कसारई हमरे भैया कसारई भइल बा भेड़ुआ हो हमरे आप लोग। उसमें बाबू रूप राम सिंह उसमें मड़वा के थीले हुन कहलन का अरे गाय भैंस लेला चाहे गाय भैंस लेला चाहे और लेला बारदा हो अरे मड़वा छोड़ाई पूरा हो अरे मड़वा छोड़ाई पूरा कई दशरदा हो गौर करेंगे बाबू वो समय कहलन के सुना गाय भैंस बा दुगो चौवा वालन वह चौवन के ले लेता बाबा उसमें कहलन का कि रोई रोई रूप राम अरे मांगे लगला माफिया रोई रोई रूप राम मांगे लगला माफिया औ मैं
फूल राउर पानी मर बिटिया छोड़ाई पूरा होया बा मड़ावा छोड़ाई पूरा अरे कोई दशहरा होया बा मड़ावा छोड़ाई पूरा हाथ जोड़ के बाबू रूप राम स्वरूप से यह कहन के भैया देखा यह हम कहत बानी तो उसे माफी मांगत बानी कि आपके पाँव के धूल हमार बेटी है उसमें बाबू सुबह हुआ है लड़की विदाई हो जाती है उसमें एक लाइन गीत निकल गए और वह गीत के लाइन बाब वह गीत के लाइन बाब कि सास सोए अंगना ससुर जी दुआरे सास सोए अंगना ससुर जी दुआरे गजब सिटी मारे संयम लेकिन ससुराल में जाती है तो ससुराल वाले लोग कहते क्या है सास मारे मेहना ननद देली गारी सास मारे मेहना ननद देली गारी सहे के पारा तारी पड़ल ससुरारी सहे के पारा तारी तनका गहनवा सब ले ली उतारी तनका गहनवा तनका गहनवा सब ले ली उतारी सहे के पारा पारी पड़ल ससुरारी सहे के पारा पारी ससुराल में जाती है ससुराल वाले लोग ही कहते हैं बाबा सास ननद ही कहती है कि अगर माई बाबू तो कोनो गहना वहना तो ना देहलन आज बाबू लोग सीला को सताने लगी आंख में आंसू लेकर के सीला सोच गई आज कहल जाला आप लोग जाने लग भैया कि गाय और बेटी एक होली गाय के बाबू पगहा केहू के हाथ में धरा दे गाय चल जी बेटी के हाथ किसी के हाथ में आप बाबू हाथ धरा देंगे लड़की कुछ नहीं बोलेगी चली जाएगी आंख में आंसू लेकर के सीला सोच रही है वो समय के गीत निकल गए वह गीत कलाई बाब तसुन सन लागेला बे अरे घरवा दुआरवा ए धानी तइये से ओ ओ जहिया से गईलू नई हरवा ये धनी ताई रे से उसमें बाबू लड़की कहती है का कहना बाब अरे घरवा दुआर देखली सासू का दुलारवा अरे डरिया लागे माई हो घरवा दुआर देखली सासू का दुलारवा अरे डरिया लागे माई हो जिन भेजब ससुरारिया डरिया लागे माई रे कौन करेंगे बाबू शिला के जो पाप महतारी विदाई करा के जब शिला नहर में आई बा
नहर में आई भी आप दोस्त में आंख में आंसू लेकर सिला कहती है माई अब हमके ससुराल में मत भेजिया हमारे जिंदगी के कोनो ठीक ना हुआ आज ससुराल वाले जिंदगी हमारे काय कर दी उसमें बतौला ससुराल के कुल बात बतौलस का कधनवा कलो भी हमारे सैया का नगरिया चाही गोदरेज अलमारिया अरे यकिया पसार देखली लालक के अचरवा अरे डरिया लागे जिन भेजा हमें ससुरारिया डरिया लागे ससुराल में हमके भेज देबू लोग हमरे गर्दनवा के काट दिए हमरे ससुराल वाले लोग धान खातिर लोगन के धान चाहिए आज हमके लोग बड़ी महंगा मारत हुआ लोग बाबा टीवी फ्रिज अलमारी उन लोग के चाहिए आज माई तू धान दलत कुछ ना दे आज हमके लोग बड़ी महंगा मारत हुन लेकिन उस समय के एक लाइन गीत लिखल गेल वह गीत के लाइन बस अरे सुन बाली लार हो सा हे बबी नटी तनी गौर करेंगे बिरहा में कितनी बढ़िया कवि जी लाइन लिखल का अरे छूटे ना परान हो भी अरे छूटे ना परान हो भी रान लागे ससुराल में चल जाइए लोग हमके हमरे जान के लोग मार दिए आज माई ई बतावा हमके मत भेजा लेकिन बाबू हुआ के कहना बट तेरी किराएंगे अरे लहरिया बीच डूबल जिंदगी चारा चले नौमाल दहेज वाली दरिया चारा चलन डूमरल दहेज वाली दरिया बाबा लहरिया बीचे डूबल जिंदगी उसमें बाबू भाई का विदेशिया की लाइन में कहना बाबा अरे सासयो नना दिया ससुरा नीरा दैया हो अखोलले कोठरिया में पहुंचे हैं घतिया
अतिलावा कीरा सन का असिला के बदनिया परे अयगिया लगावे की फारा के उतपतिया अतड़पत पारा नावा अमकनवा के बार भैली अब सड़किया पर जाले आवारतिया अयगिया बुझावे खाती आ कोई नहीं चलाऊं हमारा अब आइली ससतिया में सीना का मौतिया उस समय बाबू शीला के ससुर आते हैं विदाई कराने के लिए। ओ समय लड़की शीला कह दिया कि माई ससुराल में ना जाई आदि हम जाई तो हमरे जिंदगी के थुना पाप है बाबू हम ना जी माई इनकार कर दी लेकिन माई कहन की बेटी एक बार तू और चल जा जा देखला। लेकिन बाबू ससुर लिया कराते हैं शीला को। जब शीला का ससुर लिया के अलन उनके ससुराल में ओ समय किरासन के तेल बाबू किवाड़ी खुला रहा जोनी घर में शीला सोई है जा करके किरासन के तेल बाबू सेक दिया बदन में आगे लगा दिया। लगाने के बाद लड़की तड़फड़ाती हुई सड़क पर जाती है कोई आग बुझाने के लिए नहीं आ रहा है कोई आग बुझाने के लिए बाबू वहीं नहीं पहुंच रहा है। उस समय शीला इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। लेकिन बाबू हुआ क्या कहना बा पपट की लाइन में बाबा जी दहेज खाती मरला पापी जनवा देखा ससुरे में दहेज खाती मरला पापी जनवा देखा ससुरे में अजला दिए यगिया में सुंदर तनवा देखा ससुरे में लगा दिए ठिकाने हो मगर न कोई खबर दिया लसिया ले जाकर पापी लगा दिए ठिकाने हो मगर न कोई खबर दिया कबो न जाकर थाने हो मिलल खबर बिटिया का भाईल मरनवा देखा ससुरे में बचल खलबली बाबा के भावनवा देखा ससुरे में चली जाती है शीला। ओ समय कोई आदमी नहीं जा करके बाबू थाना पर खबर को लोग कोई नहीं दिए लेकिन उस समय खबर पहुंचल बा बिटिया शीला के घरे नहर में जब पहुंचल बा आंख में आंसू लेकर के बाप मतारी रोत हुआ क्या हमार बिटिया सही कहत रही कि माई हमके भेजबू ते दुनिया के हम छोड़ के चल जाई तुम्हारी नजर में अब हम ना लौ पाई। लेकिन आज बात सामने आ गई लेकिन कवि जी के लिखे पड़ल आलिक निर्भाव जैसे अंधी अंधा सुन सुनले जैसे अंधी अंधा सुनले अब बेटा का मरण भाई भैया गई
रे गरीबी बदना सी दुनिया में ये भैया, बाबू इकट्ठा लोग बुलाए, उसको बुला करके बाबू उस समय रपट लिखाए जा करके बाबू रपट लिखा दिए कलेक्टर के पास। उस समय पुलिस के नौजवान आते हैं, लेकिन उनके जो जेठानी रही उन्हीं के लोग बाबू गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार करने के बाद कहना बा खड़ी कलाई नहीं, अरे दहेज खाती ससुर में अरे सतावल गईली, दहेज खाती ससुर में सतावल गईली, बजियते अगिया में दुल्हनिया जलावल गई, दोनों नारी अदहली बयनवा पड़ल हाथ करी दोनों गईली जहर खानवा, अरे मिलल सजाए ऐसन मजा चखावे के परी, अरे मिलल सजाए ऐसन मजा चखावे के परी, सजियते अगिया में दुल्हनिया जलावल गईली, बाबू फरार हो गए। पति उनके पति शिला के पति और ससुर लोग फरार हो गए, जेठान लोग पकड़ा गई, सजा के लिए लोग सुनाए तुम लोग को सजा दिया जाएगा। कहना बा आखिरी लाइन में गुर ओ समय बाबू हुआ क्या, कहना बा आखिरी लाइन में पत्तू छे बस सुख नंदन की बुल्लू अनुपम गीत, काशीनाथ बिरहा के बाग में, काशीनाथ बिरहा के बाग में सींचे गा के गीत, लहरिया बीचे डूबल जिंदगी, लहरिया बीचे डूबल जिंदगी, तगीता राम प्रिय सतगुरु का गहत पयरिया, लहरिया बीचे डूबल जिंदगी, तगीता राम प्रिय